अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ क्या? पूछो। आपको अकेले रहना और सुनसान जगहों पे वक्त बिताना अच्छा लगता है क्या? लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है क्या? नहीं, नहीं पसंद। मुझे अकेले रहना ही ज्यादा पसंद है। ऐसा क्यों? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। धोखा खाने की सिचुएशन ही नहीं आएगी। कोई करीब आए, फिर वो दूर चला जाए, फिर हमारे बीच झगड़ा हो, मन को बुरा लगने वाली कोई बात का कारण ही नहीं रहता। बिना किसी के मन को दुखाए किसी को प्यार करने वाले भी होते हैं ना? आज तक तो मैंने ऐसे किसी लड़के को नहीं देखा और ना ही मिली हूं। एक दिन वो आपको जरूर मिलेगा। उस दिन आपने अपने नाम के अलावा और कुछ बताया ही नहीं। मैं यूएस से केमिकल इंजीनियरिंग पूरी करके आई हूँ। फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही हूँ, आगे क्या करना है यही सोच रही हूँ। यूएस से? तो असली प्रॉब्लम ये है, 3 साल यूएस के लोगों के साथ रहने से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। हम इंडियन के साथ अगर रहती तो शायद ऐसा नहीं होता। अब इंडिया में आ गई हो ना तो खुद ही पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये तो सबको पता है कि जिस लड़की को वो चाहते हैं अगर वो लड़की जा रही हो तो सबको दुख होता है। प्रिया जी, आपका नंबर वो क्या है कि अगर फिजिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो क्लियर करने के लिए? 9841542003। और फिजिक्स नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग। यार इतनी ज्यादा क्यों पी रहा है तू? कुछ बोलेगा? 25,000 रुपया हार गया यार मैं। 25,000? यार इतना टेंशन क्यों ले रहा है? पीछे जय भाई से पैसे उधार मांग ले। मैं खुद जुए में पैसे हार गया हूँ, मैं से क्या उधार मांग रहा है तू? यार कमाल करता है। क्या तू भी पैसे हार गया तो फिर जीता कौन आखिर? अरे वो कौन है उसका नाम नहीं पता मुझे। बोला मुझे खेलना है और खेलने आया। मेरे को लगा नया बकरा मिल गया, फांस लेंगे। हम लोगों ने गेम चालू किया, हुकुम के पत्ते पे दांव लगाया, लेकिन किस्मत खराब थी यार, टोटल लॉस हो गया, सब हार गया मैं, कुछ नहीं बचा। पेपर ला बे। क्या क्या बोलते रहते हैं यार ये लोग। खेलने नहीं आता है तो वायग्रा लेके घर पे सो जाने का, और बैठे बैठे हिलाते रहने का बैट को। कमाल की बात है यार, ये लोग 2 रन के लिए मैच हार जाते हैं। थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या इनको? ये सब ना उस कैप्टन की वजह से हुआ है। जब देखो गेल को ही ओपनिंग में भेजता है, अरे कभी कभी थर्ड या फोर्थ को भी भेजना चाहिए ना। पक्का कैप्टन बोले ना तो अपना धोनी, उस पर जो पैसा लगाया था वो सारा मैच वो जीत गया, लेकिन ये डब्बा लोग पे भरोसा करके जो भी पैसा डाला था सारा डूब गया। और जलन हो रही है यार। क्या गुरु, कल तो गेम में आपने फुल 2 जीता ना? वो सब लेके तो RCB पे डाल दिया यार। तो फिर थोड़ा पैसा बचाना चाहिए था ना। ए थोड़ा क्या होता है, देख यार बैंक में रखना बचाना ये सब तो अपन को पता नहीं है। हर वक्त डबलिंग करना चाहिए, 25 लाख कमाने का, लाइफ में सेटल हो जाने का बस। और ऐसे डब्बा कटिंग शॉप को छोड़ के हाई फाई कटिंग शॉप में लड़की के हाथ से मसाज करवाने का, समझ गया ना? एक बात ध्यान में रख ले, अगर नहीं सुनने का है तो छोड़ दे, लूटने का है तो बड़ा लूटने का, नहीं तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, शांत बैठने का। चल अपना अच्छे से फेस वॉश कर दे। अनुष्का शेट्टी। मैं अनुष्का नहीं, जया हूँ। तेरे को कितनी बार बोला कि मास्क नहीं उतारने का, चल मास्क वापस पहन ले। तेरा काम हो गया ना, पैसे निकाल अब। चलो चलो चलो, यहाँ खड़े हो जाओ। कपूरी ना सर, अरे इसको मास्क तो डालने को बोलो ना। चुपचाप खड़े रहो। सर जब पकड़ी गई थी तभी तो मास्क डाला था ना। तेरी तो चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता तू।
सर, शंकर एक काम करो, ये फाइल कमिश्नर ऑफिस में दे करके आओ। जाओ सर, उसका नाम अनुष्का करके लिखना, जया भाभी नहीं लिखने का। चुप कर, बकवास मत कर। टू मैनी मच्छर काटिंग सर। चलो कोई बात नहीं, कम से कम एसी तो ऑन करवाओ ना। जबान बंद कर वरना लंबा केस बनाऊंगा। कूल, नो एक्शन, कूल। ए, चश्मा उतार। सर और कुछ करने को बोलो करूंगा, लेकिन ये चश्मा नहीं उतारूंगा सर। ये सब तू कब तक करेगा? खुद को बदलना नहीं है क्या? बदलने का मैं भला काय को बदलूं सर? आप लोग तो काम करके रात को घर चले जाते हो, लेकिन हमारा 24 आवर्स ड्यूटी रहता है। सुबह उठते ही मंदिर जाता हूँ, आज का बिजनेस फुल प्रॉफिट हो ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 9 बजे करेक्ट क्लब ओपन हो जाता है, सिंडिकेट में रमी, 1 बजे तक पार्ट टाइम, 1 के बाद हमारा मेन बिजनेस स्टार्ट हो जाता है रेस कोर्स। फुल रेडी होके घोड़े को पकड़ो तो उसकी पूछ पकड़ने तक वो भाग गया रहता है सर। 5 बजे के बाद डाइस खेलने जाता हूँ, प्लस माइनस देख के वीडियो गेम खेलना है या नहीं ये डिसाइड करता हूँ। प्रॉफिट होगा तो लाइव बैंड में जाके अनुष्का शेट्टी के ऊपर पैसा उड़ाता हूँ, नहीं तो फिर बार में जाके दवा दारू पीता हूँ। ये अपना इंटरेस्टिंग टाइम टेबल है। सोसाइटी के अंदर तुझे खुद की आइडेंटिटी नहीं चाहिए क्या? वो छोड़ के बाकी सब मिलता है सर। अभी देखो ना, आप ट्रिपल स्टार हैं, अपन गैम्बलिंग स्टार है। आप लोग पूरा महीना भर काम करके गवर्नमेंट से पगार लेते हो और हम लोग 3 मिनट जुआ खेल के गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। आप लोग टाइम के सामने झुकते हो, वक्त के अनुसार जीते हो, लेकिन हमारा वैसा नहीं है, टाइम से खेलते हैं। उसके बाद भी आप हमको एडवाइस देते हो, उसे अच्छा गवर्नमेंट को एडवाइस दो ना गैम्बलिंग बंद करने के लिए। सर तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू सुधरने वाला नहीं है। एक का राजा रानी अपन के हाथ में, हाथ भर के मिट्टी तेरा मुंह में। अंजनी माता की जय बोलो, अंजनी माता की जय बोलो, भगवान है ऊपर तू मच्छर मार। खेल बोले तो जीत या हार, जुआ बोले तो प्रॉफिट लॉस, ये सब मामूली है रे, उसके लिए कोई टेंशन लेता है क्या? चल कबाब खा अभी। भैया ज्यादा हो गया, चलो ना चलते हैं। रुक रे, वैसे तू हमेशा मेरे बारे में एक डायलॉग बोलता है ना, चलना वापस बोलना। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर स्टार है, एक्टिंग में अमिताभ बच्चन स्टार है, और गैम्बलिंग में मेरा राजा भाई स्टार है। सुपर यार। अबे तेरा डायलॉग सुन के तो मुकेश भट्ट आके विसल मारेगा। चल खा और कबाब खा। सुनना, तेरी भाभी से मिल के आते हैं, बहुत दिन हो गए मिले हुए। हाय, कैसी हो? ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, थोड़ा ज्यादा पी लिया है, बुरा मत मानना। वैसे कोई जादू मंत्र किया लगता है, इसलिए बार बार हार जाता हूँ। जाने दो, वो सब चलता है, हमारे बारे में बात करते हैं। मैं कितना भी बात करता हूँ लेकिन तू खाली हंसती है। अरे यार वो भी कॉमन है, बहुत मिस करता हूँ तेरे को, किस करने का मन करता है। एक्चुअली और भी कुछ होता है, फ्री होगी तो जरा मेरे यहाँ पे आके जाना, तेरा इंतजार करके करके वो जया भाभी के घर जाना भी बंद कर दिया है। एक दिन 25 लाख रुपए कमाऊंगा, ढूंढते हुए आऊंगा। नहीं 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 नहीं, 25 करोड़ कमाऊंगा, तू भी ढूंढती हुई आएगी ऐसा बनूंगा। क्या गुड़िया जैसी लगती है, काट के चबाने का मन करता है। हिंदी छोड़ के बाकी सारी भाषाओं में एक्टिंग कर दी है। ठीक है ठीक है, मैं तेरे को वहां से यहाँ लाके हिंदी की क्या कीमत होती है दिखाऊंगा। एक बात बोलता हूँ, गलत मत समझना, अपन को ये सब लड़कियाँ, लव, शादी ये सब पसंद नहीं है। तेरे को पहली बार देखा तभी तेरे से प्यार हो गया। क्या ओके है ना? डायरेक्ट फर्स्ट नाइट है, वही पुरानी स्टाइल में दिखाऊं क्या, कैसे करते हैं? साड़ी पे तू आई, बेड पे मैं बैठ रहा हूँ, दूध तेरे हाथ में, पानी टपक रहा है मेरे मुंह से, पास आएगी तू चक्कर आएगी मुझे। hey, वैसे कहानी पसंद आए तो आप भी प्रोड्यूस कर सकती हो। नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज 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 मना मत करो, सिर्फ एक बार मेरी कहानी सुन लो प्लीज। काम के बारे में पूछकर मैंने गलती कर दी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फ्री हो ना प्लीज? ठीक है बताओ।
हेलो कहानी सुनाओ। हीरो हीरोइन अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं। फिलहाल मैं हीरो हूँ और तुम हीरोइन। हाँ ट्रू लव स्टोरी ठीक है ना? एक्सक्यूज मी हाय मेरा नाम विशाल है यहीं पास के स्कूल से 12th कर रहा हूँ। और तुम? मैं क्यों बताऊँ? बस ऐसी जानना चाहता हूँ। क्यों और कोई काम नहीं है क्या? काम करने के लिए अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। शादी करने के बाद तो काम करना ही पड़ेगा ना। जो भी हो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मेरे नाम से तुम्हें क्या लेना देना है? क्या है मैं ये देखना चाहता हूँ हमारी कुंडली मैच हो रही है या नहीं। घर वाले तुम्हारे लिए लड़की नहीं देख रहे? कोई होना चाहिए इसीलिए तो तुमसे लव करना चाहता हूँ। हेलो तुम समझते क्या हो खुद को? रास्ते पर खड़े होके प्यार से लेकर शादी तक की बात कर लिए और बात की तब तो तुम सीधा घर ही आ जाओगे। ये क्या बोल रही हो? एक लड़की को इस तरह की बातें रोड पे करनी चाहिए क्या? वैसे आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारा नाम प्रिया है तुम भी पास के कॉलेज से 12th कर रही हो। मेरा सबसे कठिन सब्जेक्ट साइंस तुमने लिया हुआ है। अपने माँ बाप की तुम एक लौटी लड़की हो और तुम्हें भरतनाट्यम बहुत पसंद है। जब तुम्हारा दिमाग खराब होता है तो तुम खुद को रूम में बंद करके रोती हो। तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है इसलिए तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। ब्रश करने के लिए कोलगेट यूज करती हो व्हाइट कलर के सोप से नहाती हो और ब्लैक कलर का शैम्पू यूज करती हो और डिओड्रेंट में फॉग न्यू ब्रांड यूज करती हो। हफ्ते में 2 दिन मंदिर जाया करती हो गुरुवार को साईं मंदिर और शनिवार को शनि मंदिर। हाल ही में तुम अपने मम्मी पापा के साथ रुस्तम फिल्म देखने गई थी। तुम्हारे मम्मी के बगल में तुम्हारे पापा बैठे थे तुम्हारे बगल में मैं बैठा था। हम चारों ने साथ में फिल्म देखी थी। चाचा एक स्ट्रॉन्ग सिगरेट और एक स्ट्रॉन्ग कॉफी दीजिए। स्कूल के बच्चों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। चाचा मैं स्कूल में नहीं हूँ कॉलेज में हूँ। हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म चलता है। आईडी दिखाऊं क्या? ठीक है एक ही सिगरेट पीना ज्यादा मत पीना। थैंक्स चाचा आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। आज से आपके लिए एक सिगरेट कम पिया करूंगा। कितना पीते हो? 2 ही पैकेट। मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी मत करो जाओ यहाँ से जाओ बोला ना। हाँ ठीक है जा रहा हूँ ना। क्या कर रहे हो कॉलेज छोड़कर सिगरेट पी रहे हो? हाँ नहीं पापा झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ भाई नाराज हो क्या? कुछ लॉस हुआ क्या? उसका टेंशन नहीं लेने का भाई मैंने नया बाइक खरीदा आओ दिखाता हूँ। आओ उठो ना भाई आओ। ये है मेरी फेवरेट बाइक सॉलिड पिकअप मस्त ब्लैक कलर की हाईवे पे मस्त झकास चलती है मेरे को बहुत पसंद आई। क्यों भाई है ना बिल्कुल दबंग स्टाइल वाली मेरी बाइक मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आप क्या बोलते हो अच्छी है ना? कितने में लिया इस बाइक को? फुल कैश में लिया भाई 1.5 लाख रुपए में खरीदा मैंने। चाबी दे एक राउंड मार के आता हूँ। ये लो भाई छोटे चल बस आता हूँ थोड़ी देर में तू यहीं पे रुक। हाँ ठीक है भाई जाओ जल्दी आना भाई मैं यहीं पे रुका हूँ। कितना देर हो गया अभी तक नहीं आया। भाई नहीं भाई वो देखो बुलेट है। ये चाबी
देखो अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा। पोछा लगाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, कहोगी तो तुम्हें नहला भी दूंगा। खैर छोड़ो, जाने दो। तुम आराम से हमारे बच्चों के साथ खेलना, खाना खाना, घूमने जाना, टीवी देखना, जो करना है वो करना। स्वीट फैमिली, क्यूट फैमिली, हैप्पी फैमिली। नहीं अंकल, आप कुछ मत सोचिए, प्रिया को मैं बहुत खुश रखूंगा। मेरे जैसा प्यार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। वो समझती ही नहीं है मेरी बात को। जब वो घर आएगी ना तो आप उसे समझाना। हे, किससे बात कर रहे हो तुम? कौन है फोन पर? हाँ और किससे करूंगा, तुम्हारे पागल बाप से कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें इतना समझाया, तुम नहीं समझी तो सोचा अपने ससुर जी से बात कर लो। क्या बात की तुमने? मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ लेकिन लव में 110% परफेक्ट हूँ। ठीक है, एक किस दे दोगी तो ठीक हो जाऊंगा। अपने घर पर भी बता कर आए हो? हाँ, बता के आए हो ना, किस दोगी या नहीं? चुपचाप मेरा हाथ छोड़ो। शादी के बाद तो वैसे भी नहीं छोड़ना है, बस एक किस दे दो प्लीज। एक किस के लिए इतना भाव क्यों खा रही हूँ? दूसरा कुछ थोड़ी ना मांगा है मैंने। मुझे लगता है लड़कियों को ये डर रहता है कि किस करने से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्या कहा? कुछ नहीं। वो देखो, वो शंकर सर ही है ना? से प्यार क्यों करते हो? पता नहीं। कितना प्यार करते हो? नहीं पता। वैसे मुझे कभी किसी को देख के ऐसा फील नहीं हुआ जैसा तुम्हें देखने के बाद हुआ। शायद यही प्यार है। क्यों प्यार करते हो नहीं पता, कितना प्यार करते हो ये भी नहीं पता, बस देखते ही प्यार हो गया था। फिल्म में भी हीरो हीरोइन को देखते ही प्यार नहीं करता, वो भी ये बात बोलने से पहले बहुत बार सोचता है। वैसे कुछ भी हो, लव को अगर लाइफ से कंपेयर करेंगे तो लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लव की शुरुआत होती है पर कभी ना कभी उसका दी एंड हो जाता है, फिर लव करने का फायदा ही क्या हुआ? जब देखो तब बक 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 करती रहती हो, दूं क्या एक? कुछ नहीं पता है, ये लड़कियां क्या ऊपर से आती हैं क्या? हम यहाँ पैदा हुए तो क्या हम बुद्धू हैं? पता है, जिस लड़की से हम प्यार करते हैं उसकी हम इज्जत करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, जो कहती है वो सुनते हैं, डांटती है तो भी कुछ नहीं बोलते। अब क्या सर पे बैठोगी क्या? तुम जो सोचो करेक्ट है, तुम जो बोलो करेक्ट है। तुम लोगों की तो मैं क्या बताऊं, हिस्ट्री से प्रेजेंट तक, फ्यूचर में भी हम मर्दों ने उन्हें हमेशा अपनी शक्ति और युक्ति में ज्यादा माना है। तुम अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर होके सोचती हो। वैसे भी लड़कियों की पूजा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें हमेशा अपने दिल से लगा के रखो, ऐसा दुनिया वाले कहते हैं। हम लड़कों से लड़कियां किसी भी काम में नीचे नहीं है, हर काम वो कर सकती हैं, ऐसा बोल के हम उनका हौसला बढ़ाते हैं। हमारी इक्वल है वो, हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। और पता है क्यों? रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, केयरिंग, लव करते हैं। ए पागल, तुम बोल रही थी ना लव लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को प्यार नहीं किए होते तो तुम कहां से आती? जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को प्यार किया तब तुम इस दुनिया में आई हो। तुम्हारे मम्मी पापा हो या मेरे मम्मी पापा हो या दुनिया का कोई भी लड़का लड़की हो, सबको लव करना पड़ता है। एक बात बताऊं, शायद समझ जाओ तुम, किसी का प्यार जिंदगी में सक्सेस हो जाता है और किसी को नहीं मिल पाता है, और कभी कभी कोई अपने प्यार को जता ही नहीं पाता है, लेकिन प्यार सबको होता है। लव के बिना लाइफ बेकार है। अब इस बारे में मैं प्रवचन देना बंद करता हूं और अपने डायलॉग के लास्ट में मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, तुम्हें अपनी लाइफ से डर है और एक्चुअली में तुम प्यार करना चाहती हो लेकिन तुम कभी बोलोगी नहीं और करोगी नहीं, बस। हो सकता है, पर लड़के बहुत ही इमैच्योर होते हैं। सब
लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जान से ज्यादा प्यार करते हैं और जिंदगी भर साथ निभाते हैं। प्रिया, प्रिया कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, इतने दिन से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करूंगा। इन लड़कियों को हमारे प्यार की कदर कभी नहीं रही है। रुको दिखाता हूँ। अब तुम मानना ही पड़ेगा। कल मिलो, बताता हूँ तुम्हें। कल मिलो तो सही। अबे उसे देख, अबे हमको भी भेजना, हम भी मजे लेंगे। Oh, my God.